हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर चल रहा है। मोशन चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे मोशन, रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन और फिजिकल क्वांटिटी। आज का जो क्लास होगा वो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो डिस्टेंस होता क्या है? तो डिस्टेंस का अर्थ हुआ एक्यूरेट मेजरेबल पाथ, एक्यूरेट मेजरेबल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट का अर्थ हुआ शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि आप पोजीशन ए से घूमते हुए बी तक आ गए, ठीक है। तो ए जो होगा वो डिस्टेंस होगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट सबसे छोटी दूरी क्रिएट करता है ए से बी तक आने में, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। हो गया मतलब कि सबसे छोटी दूरी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और सबसे लॉन्ग कार्ड दूरी को जो पूरा आपके द्वारा मूव किया जा रहा है उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस, हेडिंग देंगे डिस्टेंस, तो लिखेंगे द एक्यूरेट मेजरेबल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग बॉडी भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट या बॉडी, आर कॉल्ड डिस्टेंस। क्या लिखे? एक्यूरेट मेजरेबल पाथ लेंथ, जो आपके द्वारा पूरा मूव किया गया पाथ लेंथ है उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। इसको जो डिनोट किया जाएगा इट इज डिनोटेड बाय, बहुत सारा बुक एक्स डिनोट करता है, बहुत सारा बुक डी करता है, बहुत सारा बुक कैपिटल डी कहता है। इसका असाइनमेंट क्या हुआ? डी हुआ। इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली। अब हम लोग देख चुके थे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होगा, इट्स एसआई यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। स्मॉल एम से डिनोट कहता है मीटर, बड़ी यूनिट किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा कभी जीरो नहीं होगा, इट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जब आप एक्यूरेट मेजरेबल पाथ लेंथ होगा, आप पोजीशन चेंज करेंगे तभी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। तो जब एक पोजीशन चेंज करेंगे मतलब जीरो होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा ओनली पॉजिटिव, जैसे आप कभी नहीं देख सुने होंगे माइनस पांच मीटर, माइनस दस मीटर, आप हमेशा पांच मीटर, दस मीटर, बीस मीटर, पच्चीस मीटर, तीस मीटर, इस तरह का कहानी सुनिएगा, कभी आप निगेटिव में नहीं सुनिएगा। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसका जो पाथ होगा, इट्स पाथ इज लीनियर, सर्कुलर एंड जिगजैग। लीनियर का अर्थ हुआ स्ट्रेट, ठीक है। सर्कुलर का अर्थ हुआ घूम घूम के, और जिगजैग का अर्थ हुआ इस तरह से। तो इसका जो पाथ लेंथ होगा लीनियर भी होगा, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं जिगजैग, इसको बोलते हैं सर्कुलर। तो इसका जो पाथ लेंथ होगा वो लीनियर भी होगा, सर्कुलर भी होगा, और जिगजैग भी होगा, क्लियर। डिस्टेंस जो है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाएगा उसको ओडोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओडोमीटर। आपके गाड़ी वगैरह में
आप जो देखे होइएगा वो डिस्टेंस मेजर करता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, तो ओडोमीटर मेजर करता है। तो लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, ओडोमीटर। डिस्टेंस जो होता है किससे मेजर किया जाता है? ओडोमीटर से किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब आप पूरी तरह से समझ गए कि क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का अर्थ हुआ एक्यूरेट मेजरेबल पाथ। एक्यूरेट का अर्थ हुआ कि आपके द्वारा पूरी तरह से घूमी गई, क्रिएट की गई वो जो दूरी होगी वो एक्यूरेट मेजरेबल पाथ, मतलब जैसे जैसे जिधर 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 घूमी ऐसे चले बी तक आए, ये सब आपका पाथ लेंथ हुआ। बहुत सारा बुक एस से डिनोट करता है, बहुत सारा बुक डी से डिनोट करता है, बहुत सारा बुक कैपिटल डी से डिनोट करता है। एस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, कभी जीरो नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका पाथ जो होगा लिनियर भी होगा, सर्कुलर भी होगा, जिगजैग ही होगा, ये ऑडोमीटर से मेजर किया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट का अर्थ हुआ सबसे छोटी दूरी, जो छोटी दूरी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसको जो डिनोट किया जाएगा इट इज डिनोटेड बाय एस के ऊपर एरो, डी के ऊपर एरो और कैपिटल डी के बीच में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इट इज वैक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका भी ऐसा एडिट कर देना मीटर ही हो जाएगा, चुनबी ये भी एक तरह का लेंथ ही है। तो लिखेंगे इट्स एस आई यूनिट मीटर एम से डिनोट करता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कारण कि आप मान लीजिए पोजीशन ए से चले, फिर घूमते घूमते पोजीशन ए पे आ गए, तो आपके पास कोई दूरी नहीं बची, छोटी दूरी नहीं बची, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ए इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो पाथ लेंथ होगा, इट्स पाथ लेंथ इज ओनली लीनियर। इसका जो पाथ लेंथ होगा केवल और केवल लीनियर होगा। क्लियर? अब जैसे देखिए आप 5 किलोमीटर चल के आ रहे हो, मूव करके आ रहे हो, किस डायरेक्शन से मूव करके आ रहे हो पता नहीं, तो डिस्टेंस हुआ। लेकिन 5 किलोमीटर आप नॉर्थ से आ रहे हो,
10 किलोमीटर आप साउथ से जा रहे हो, तो जैसे डायरेक्शन लग जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप अभी बोल दीजिए, या फिर अगर YouTube देखते होइएगा तो वहां से आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। आप देखिए, मिटा दे इसको, अब आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पहला डिफरेंस बताएंगे कि डिस्टेंस जो है एक्यूरेट मेजरेबल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, और डिस्टेंस केवल पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है तो ये डिफरेंस नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कह रहा है कि कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और हाफ सर्किल पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मान लीजिए सेंटर हुआ, ए से बी तक आया, डिस्टेंस रेडियस आर हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए टू बी इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, मतलब आर प्लस आर यानी कि टू आर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? टू आर हो जाएगा। बट डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, हाफ सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस बाय टू। तो सर्कल का, चूंकि क्यों हाफ सर्कल क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए सर्कमफ्रेंस बाय टू। तो सर्कमफ्रेंस कितना? टू पाई आर बाय टू, तो टू से टू गया, क्या होगा? पाई आर। तो हाफ सर्कल पे डिस्प्लेसमेंट टू आर होगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर होगा। देखिए, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ही है। ठीक है, पी से क्यू दूरी वन फोर्थ सर्कल, सर्कल का वन पार्ट फोर्थ है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू का डिस्प्लेसमेंट निकालना और डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? अगर सर्कल को कन्वर्ट करोगे तो चार पार्ट में होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस बाई कितना पार्ट है? एक ही पार्ट ले रहा है, तो फोर हो जाएगा, तो टू पाई आर बाई फोर कट गया, यानी कि पाई आर बाई टू। बट डिस्प्लेसमेंट की जब चर्चा करोगे, तो देखो ये राइट एंगल बनाएगा, और ओ मान लो तो क्या लिखोगे? हमको ये ना सबसे छोटी दूरी मिल रही, सबसे छोटे दूरी, तो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर OP PQ का स्क्वायर।
तो ये आर है, पी भी आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि रूट टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट टू इन टू आर। पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू आर हो जाएगा। लिखिए दादा, एक और क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए आप पोजीशन ए से बी तक जा रहे हो जो 20 किलोमीटर की दूरी है, और फिर बी से सी जा रहे हो जो 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और सी से वापस, ठीक है, और बी पे आ रहे हो, ठीक है, तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो 20 प्लस 10 यानी कि 30 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट में कहां लौट के तुम बी पे आ जा रहे हो, कहां जा रहे हो लौट के बी पे आ जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट में जो होगा पहले तो ए सी लिखोगे और लौट के कहां आ जा रहे हो बी, बी पे फिर आ जा रहे हो, तो ए सी 20 और 10 30, 10 लौट जा रहे हो तो 20 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हुई 20 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हुआ 30 किलोमीटर, चूंकि आप सॉरी बी सी और पहले फिर लौट के आ रहे हो डिस्टेंस में, ठीक है, फिर लौट के आ रहे हो कहां बी सी पे, तो इसमें 10 और जोड़ दोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर तुम लौट के आ जा रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 10 40 किलोमीटर, तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 40 किलोमीटर हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर हो जाएगी, क्लियर। अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, पहले क्लास में स्पीड पढ़ेंगे, फिर उसके अगले क्लास में वेलोसिटी पढ़ेंगे, चूंकि स्पीड में बहुत सारे नंबर्स को करेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, थैंक यू।